छोरा शहर की गोरी, she's so hot, she's one in a million, महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, जो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी फंगली, ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान, ना जाने कहां से ये आई रे भगवान, hey, cut it out, गवार हाय रब हुआ का गजब हुआ ओ हाय रब हुआ का गजब हुआ जब 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 हुआ का गजब हुआ जब जब हुआ का गजब हुआ जब जब हुआ का गजब हुआ जब लव हुआ। इस गांव को लाइक करने की कोशिश करो तो यहाँ की अच्छाइयां भी नजर आने लगेंगी। ये रात में ऐसे नाच दिखाए ना, उन्हें हम भूतनिया कहते हैं। कैसे बताऊं इन्हें कि ये हवेली हमारी नहीं है। ना होगी घंटी, ना होगा पाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम बिटिया, प्रसाद नहीं चाहिए। बेटा भगवान का प्रसाद ऐसे नहीं करते। लो ले लो, ये लो, ले जाके घर वालों को दीजिएगा। है घर में चूहे, अरे मंदिर की घंटियां। क्यों यार हंसी आ रही है, मैं पागल लगती हूँ? स्टूपिड लोग, स्टूपिड गांव। पानी क्यों लगता है ईशा? प्यास लगेगी तो क्या करोगी तुम? मगर कुएं से। तो कहाँ से लाना चाहती हो, नदी से? लेकिन कल वो लोगों ने भिजवाया था ना? भिजवाया था, आज नहीं भेजेंगे। मुझे नहीं आता कुएं से पानी भरना। तो सीख जाओगी ईशा, ये काम आज तुम्हें करना है। आनिया क्यों नहीं? आनिया भी करेगी, एक दिन तुम और एक दिन वो। वैसे आनिया है कहाँ? होगी अपने कमरे में, सवेरे से गायब है। क्या तुमने मुझे बताया था कि नहीं? मुझे लगा चूहा उठा कर लेके गया। बकवास बंद करो ईशा, लो ये मटका लो और पानी भर कर ला, जा। ओह माय गॉड, मेरी बेटी को उठा के कौन लेके गया? अभी तुम कपड़े नहीं बदलोगी? गांव है। क्यों ब्लू अच्छा नहीं है? जुग आएगा गांव तो भई गांव रहेगा,
शहर गांव में आएगा। अरे भाई क्या गीत बन गया भाई तो। अरे वैसे रघु भैया उस शहरी छोटी को कहा सबक सिखायो, क्या बात है भाई, क्या बात है। हमने तो पहले ही कहा था चरखैया है चरखैया। अरे चरखैया है तो लट्टू हम बना देंगे, रस्सी खींच के ऐसा घुमाएंगे कि घूमती रह जाएगी। वैसे रघु भैया उस शहरी छोटी की बहन को मिले होगा ना भाई? ना ही मिले तो अच्छा है, वरना कहीं मुझे वरना रघु भैया दोनों बहनों को लगाम बांध के केजी की जुताई के लिए लगा देंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं छोटू, रघु भैया ऐसा नहीं करेंगे। वो कहा है ना कि शहर से नई नई आई है, गांव के बारे में जानकारी नहीं है, कोनो सीख जाएंगी जल्दी। क्या बात है भूला, तुम बड़े हिमायती बन रहे हो उनके। ज्यादा मत बनो, हनुमान जी नाराज ना हो जाए। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। और हाँ, पूरन मासी की पूजा पे समय से पहुंच जाना। रघु भैया आप फिक्र मत करो, हम पानी पहुंचा के पहुंच जाएंगे, हम बस आते ही हैं। ओ भोले राजा। लो आ गई धन्नो भैंस की जुड़वा। अरे चल छोटू, हमें ना पड़ना इनके चक्कर में, चल चल। बाल्टी के साथ जो रस्सी, मेरे कहने का मतलब है कि जो रस्सी के साथ बाल्टी है उससे पानी ऊपर खींचिए और भर लीजिए। अरे अरे मैं यहाँ नहीं आई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ना जी। मदद 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 मदद। आपका मटका भर गया। बहुत, ये तो बहुत भारी है, जरा उठाने में मदद कीजिए ना प्लीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीव लोक जागर, राम दूत अतुलित बलधामा, जने पुत्र पवन सुतामा। सुनिए आप इसे हवेली तक लेके चलिए ना प्लीज। राजी हवेली जा रहे हैं ना? नहीं, घाट की पूजा में हमारा होना जरूरी है बेटा। क्यों 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 क्या बेटा? मैं हम सरपंच हैं पिताजी, पूजा वूजा तो होते रहती है, अब ठकुराइन थोड़ी ना रोज रोज इस गांव में आएंगी। अब अम्मा तू ही बता, ठकुराइन को पूजा में बुलाना नहीं चाहिए? तो ठीक है बेटा, किसी को भेज के बुलवा लेंगे। नहीं नहीं, हम गए तो देरी हो जाएगी बेटा, पूर्णमासी की पूजा हर साल हमारे हाथों से ही शुरू होती है। कोई बात नहीं पिताजी, अगर थोड़ी देर हो भी गई तो इस बार सरपंच के बेटे के हाथों से शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, आप खुद नहीं गए ठकुराइन को बुलाने तो बुरा भी तो मान सकती है ना बेटा। पूजा तुम्हारे हाथों से, मतलब लखन बेटा ये ठीक रहेगा? क्या ठीक नहीं पिताजी, आपका बेटा हूं, फिर अम्मा एक ना एक दिन हमें ही सरपंच बनना है ना, ऐसे लोगों को आदत पड़ जाएगी तो इसमें हर्जी क्या है। ठीक है, हम हवेली चले जाते हैं, तुम पूजा में जाओ। जी पिताजी, जैसे आपके आगे। आपको देवरी नदी के तीर कैसा लगा? बहुत अच्छा।
जैसी गंदी जगह तो मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी। आपने कुछ कहा? मैं कह रही कितना खूबसूरत गांव है आपका, यहाँ कितना कुछ देखने के लिए है, पहाड़, नदी, पेड़। इस जैसी गंदी जगह में मुझे एक और हफ्ता रहना पड़ा ना तो मैं किसी का मर्डर कर दूंगी। हम भी यही कह रहे थे। क्या? दरअसल हमारा गांव है ही खूबसूरत। वैसे अगर हमें मौका मिला ना तो हम एक दिन शहर जरूर जाएंगे। क्यों? मुंबई के जू में एनिमल्स कम हो गए हैं क्या? जी हाँ हाँ, आना, जरूर आना। जब हम वापस चले जाएंगे ना तभी आना। पर काहे? आप वापस काहे जाएंगी? क्योंकि शहर हमारा है, गांव तो आपका है, वापस तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन पिताजी तो कहते हैं कि गांव सबका होता है। जैसी आपकी मर्जी, आपको जाना है तो जाइए शहर वापस, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, आप आइए ना, आप जरूर आइए। आप जैसे स्ट्रॉन्ग और मेहनती लोगों की तो बहुत जरूरत है वहाँ। अगर आप कह रही हैं तो हम जरूर आएंगे। और हाँ, हम अपने पिताजी को भी समझा लेंगे। चलिए आइए। लूजर सर्वेंट। भैया कुछ भी कह लो, शहर का नशा बहुत बुरा होता है, अच्छे अच्छे को गड्ढे में ढकेल देता है। वो देखो हनुमान भक्त को। I'm so sorry, जीडी। इससे जल्दी मैं तैयार हो ही नहीं सकती। Can you imagine? लाइफ में पहली बार मैं बिना पानी के नहाई हूँ। हाँ, आप क्या देख रही है? चलिए, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी आनिया। जीडी, मुझे यहाँ मसाज मिलेगी? कि इस गांव में किसने मसाज के बारे में सुना भी नहीं। कितनी दूर से ये मटका मैं कैसे उठा के लाई हूँ ये मैं ही जानती हूँ। सिर पे ना तो वैसे ही तो होना चाहिए, एक्सरसाइज भी हो जाती है। चीरी, चीरी, चीरी। आनिया, ये तुम ही हो बेबी? या मम, आनिया अपने रूट्स ढूंढ रही थी। और शराब ईशा, आनिया तुम क्या करके आई हो और कहाँ गई थी तुम? तो उन गवारों को चुप कराने, शांति की आती है ये बताने, और फिर वो बोल, मैंने कहा था उसको मेरे पीछे आने। चलिए जीरी, चलिए, मुझे नहीं रहना। आनिया, हम यहाँ हमेशा के लिए तो रहने नहीं आए ना, हा? बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिन मतलब कितने दिन? मैंने कहा था ना एक हफ्ता। एक हफ्ता? ओके, पर एक हफ्ते के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे। And that's a promise. अगर सब कुछ ठीक हो गया हो तो। सब कुछ ठीक हो गया? No, जीडी, please. Okay. जीडी, I thought we were gonna go for a walk. I need a bath. Excuse me, ये मेरा पानी है। क्यों? इसमें तुम्हारा नाम लिखा है क्या? छोड़ो मुझे, मुझे नहाना है। मगर इस पानी से नहीं, खुद कुएं के पास में जाओ और पानी भरो, फिर पता पड़ेगा कितना मुश्किल है। ओह ईशा, मुझे इरिटेट मत करो। लिसन लिटिल सिस्टर, मैं पर्सी नहीं हूँ, मुझ पे ऑर्डर्स मत चलाओ। ईशा हटो यहाँ से। नहीं हटूंगी। नहीं हटोगी? टूट गया। तो भी गमछा भिजवा सकते हैं, लेकिन फिर मैं पूछूंगी कि मैं क्यों है कि नहीं। देख, रघु मेरे लिए पराया है
और पराए हाथों से किसी को भी पूजा गमछा नहीं दिया जा सकता। और ये तो बाजार में कितने गमछे मिलते हैं, लेकिन लेकिन मैं क्या कह रही थी, बाजार में गमछे मिलते हैं। हाँ, बाजार की बात छोड़, जाके से गमछा देख। तो ऐसे शर्माएगी ना तो अगले साल की पूजा तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर इस साल किसी ने उसे गमछा डाल दिया तो तेरा क्या होगा पता है, राधा से मीरा बन जाएगी। अरे अरे क्या हुआ? अरे बोलना क्या हुआ? अरे भगवान, पूजा खत्म होने के बाद फूटेगी क्या? नहीं, वो मैंने सात सोमवार का व्रत रखा था, सबकी फसल अच्छी हुई इसीलिए। हाँ तो फसल तो अच्छी हुई है ना, इसी बात की तो पूजा है। अब चलें भगवान का शुक्रिया करें। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी फसल अच्छी हुई इसीलिए। ऐसा है ना, पहले सोच ले कि व्रत हमारी फसल के लिए रखा है कि सारे गांव के लिए। भगवान को तो दुविधा में मत डाल। और ये पीछे क्या छुपा रही है, दिखा। अरे दिखा ना क्या छुपा रही है। अरे वाह, ये तूने बनाया, क्या बात है, तू तो बड़ी लायक निकली। लगता है यशोदा मौसी से बात करनी पड़ेगी कि बेटी इतनी सयानी होगी और फिर भी घर में बिठा के रखा है, कर दे किसी गबरू जवान के हवाले तुझे। चल पूजा में देरी हो रही है। चले ए ददुआ, जच रहे हैं ना? बस हो गया प्यार तुमसे, गमछा तो पहना ना सकी, वक्त आने पर हार तो पहना दोगी ना रघु को। अजीर बिहारी। ए सुना। हाँ पिताजी। यहाँ बेटा, ये बता अपने भैया कहीं देखे? वो आ तो रहे भैया। भोला हे भोला, ओ भोला भोला, ओ भोला भोला हे भोला। जय बजरंग बली की बहू। आओ हमरी आंखन के मोतिया बिंद आए गए। जी पाप जी। तो हमरे बुढ़ापे के बारे में कब सोचेगा? बाबू जी हम तो पानी घर छोड़ के आए बाबू जी। किसके बाबू जी? अब अपने बाबू जी। सिर्फ अपने? हाँ मतलब वो गांव के मेहमान है ना तो। अरे मेहमान तो एक दिन चले जाएंगे बच्चा, लेकिन हम तो इसी गांव में रहेंगे ना। गलती हो गई। जी पिताजी। कुछ नहीं, पानी लेने जो भेज दिया। पंडित जी काहे डांट रहे हो बेचारे को, अरे ये तो पंडिताइन की आखिरी निशानी है। अरे बोलो शंकर भगवान की जय, देव की बहन, तुम रही शुभ हाथन से इसका आगमन हुआ था इस दुनिया में। पंडिताइन तो चली गई लेकिन अपना भोला दिल इसके अंदर डाल गई है। हम तो इतना चाहते कि कम से कम इस भोलेपन से अपने कंधन का बोझ उठा ले। हम तो खुद ही अपने भोलेपन का बोझ उठा रहे हैं। न जाने कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब उस रंगीले से हमारी शादी हो गई। अरे खुद तो शराब पीकर हमसे अलग हो गया और इसे हमारे लिए छोड़ गया। अब आ गई चमकी। अरे ओ चमकी, रोक रोक उधार। हाय हाय, कहां मटकती फिर दिया दिन भर, खबरदार अब यहां से हिली तो। मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, पर दोपहर में छोटू के साथ वो गिट्टी का कंडीशन है। हाय हाय, हाँ गिट्टी की तरफ फेंक दूंगी तुमको। हाँ माँ, कम से कम मंदिर में तो सब सब बोला करो। ए माँ को कुछ मत सिखा, ये ले अब खड़ी रही यहीं पे। हाँ माँ। बहुत सुंदर दिख रही है हमारी बिटिया, देख लिया। पापा तूने खाना खाया ना? इतनी सुंदर बिटिया को देख लिया, भूख मिट गई। ए चमकी इधर आ। जा, जा, जा। Jesus, please! पता नहीं क्या हो गया जीडी को, कभी किसी शराब क्या है? किसी गंदी लड़की को कभी नहीं देखा है क्या? पूजा का समय हो गया, आइए आइए आइए। वो सरपंच जी दिखाई नहीं दे रहे? पंडित जी पिताजी का इंतजार मत कीजिए, वो आ नहीं पाएंगे। आप तो जानती हैं ठकुराइन, फसल की पूजा यानी सारे गांव की खुशहाली की पूजा।
जी। आपकी बहू और पोतियां भी आती तो हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सरपंच जी, लेकिन क्या है कि मेरी बहू की तबीयत थोड़ी खराब है। क्यों, क्या हुआ उनको? मतलब कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा कहाँ होती है? यहाँ पास में घाट पर। ठाकुरान याद नहीं आपको? यहाँ तो हर पूर्णमासी को पूजा होती आई आपके पिताजी के जमाने से। नहीं याद तो है, उस वक्त हम बहुत छोटे छोटे से थे। जी 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 जी। तो फिर किया कहा जाए? अब क्या करें, ठकराइन शहर से आई है ना, और पिताजी उन्हीं मेहमानों को बुलाने गए हैं। कहा है कि अगर आने में देर हो जाए तो पूजा रघु से करा लेना, यही ना। सही तो कहा इन्होंने, पहली फसल की पूजा है। अच्छे काम की शुरुआत किसी किसान के हाथों हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और रघु से बढ़िया इस काम को और कौन कर सकता है, क्यों भैया? यार रंगीला, वाह, अगर नशे में तूने ये बात की है तो तू हमेशा नशे में धुत रहा कर, अच्छा है। मेरे भाई, गांव को तो ना डुबा। हाँ, सरपंच नहीं तो क्या, छोटे सरपंच है ना। मिर्जा, अजाम हो, अजाम बन के रहो, लोटे की तरह यहाँ से वहां लुढ़कने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, पंडित जी बोलिए ना आप। हाँ हाँ, देखो बेटा रघु, अब पूरे गांव की ये मनसा है कि पूजा तुम्हारे ही हाथों शुरू हो, तो फिर आ जाओ, पूजा तुम्हारे हाथों शुरू होती है, चलो आ जाओ। अरे मंगलम भगवान विष्णु मंगल। पंडित जी, हर साल ये पूजा सरपंच जी करते आए हैं और हम उनकी जगह नहीं ले सकते, और जबरदस्ती किसी की जगह लेना हमारा काम नहीं है। तो फिर पूजा किसके हाथों शुरू होगी? कैसी बात कर रहे हैं आप पंडित जी, पूजा की शुरुआत होगी सरपंच जी के सुपुत्र के हाथों। अगर पिता का हाथ बेटा नहीं बटाएगा तो और कौन बटाएगा? आप पूजा की शुरुआत कीजिए। यहाँ कोई क्लब्स नहीं है, ना फिल्म्स, ना फ्रेंड्स, और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। पानी, राम 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 राम, अब तो मर्दों के घाट पर लड़कियां नहाने लगी हैं। घोर कलयुग आ गया है भैया, घोर कलयुग आ गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। क्या हुआ राम काका? बेटा ना पूछ, इन आंखों ने सूखा देखा, बाढ़ देखी, तूफान देखे हैं, लेकिन ये तो न जाने ऊपर वाला कैसी परीक्षा ले रहा है। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? लो तुम भी देख लो। हाय रब, हुआ जब हुआ, हाय रंग हुआ कागज हुआ, जब 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 रंग हुआ कागज हुआ, जब जब हुआ कागज हुआ, जब जब हुआ कागज हुआ, जब लव हुआ।